बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब पेपर रैकर में। मैं सुरतराज और आज के भी देखने वाले हैं। आपको पता होगा कि बीएससी सेकंड ईयर वालों का एक पेपर होने वाला है, बॉटनी का सेकंड पेपर। क्योंकि बॉटनी के फर्स्ट पेपर जो हुआ था, बॉटनी का फर्स्ट पेपर हुआ था, उसमें जो हमने आपको बताया थे 2 दिन पहले जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, वो सभी के सभी आए थे। और मुझे लगता है कि वो 84% फंसा था, वहां था 84.84% फंसा था। ये आपको सभी को मैंने प्रूफ करके भी दिखाया। तो आप जैसे ही पेपर हुआ करें, तुरंत पेपर को हमारे व्हाट्सअप नंबर 7037327838 पर सेंड कर दिया करें। और आप सभी लोग मुझसे वादा करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और अपने क्लास में जाते हैं, जितने भी आपके स्टूडेंट हैं, बीए में हो, बीएससी में हो, बीकॉम में हो, जितने भी क्लासेस एनीवे, ठीक है, सभी को बताओगे यूपी प्लस की तैयारी कर रहे हैं। तो आप हमारी पेपर हैकर वेबसाइट है, उस पर जाकर के सारे नोट्स, सारी प्रैक्टिस सेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी पुलिस के, नेकपाल के, टैट के, सुपर टैट के सभी के नोट्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ बीएससी जो बॉटनी का सेकंड पेपर है, इसका भी नोट्स आप डाउनलोड कर पाएंगे। वहीं आपको एमसीक्यू जो क्वेश्चन होते हैं, जो आपको 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनके भी आप 5 जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके भी हमने पीडीएफ बना के डाल रखी है, वो भी आप डाउनलोड कर पाएंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई करके अच्छे नंबर ला जाएंगे। ठीक है, मैं आपको जो 70% का प्लस का जो वादा करता हूँ कि मैं आप सब बोलता हूँ कि 2 दिन पहले, केवल 2 दिन पढ़कर आप 70% ला सकते हैं प्लस में। तो 70% प्लस हमारा प्रत्येक दिन टारगेट रहा है, ऐसा कोई दिन नहीं जिसमें हमारा 70% प्लस ना गया हो। तो आप मुझसे अभी वादा करिए कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, जितने भी ग्रुप हैं आपके, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम जो भी चला रहे हैं, उस पर सब पे शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, चलो अब देखो क्या करना है। जो जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, इन्हीं क्वेश्चनों को याद करके जाना है, बाकी कुछ और पढ़ने की हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हम पादप कोशिका के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। जी हाँ, पादप कोशिका का अल्ट्रा स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पादप कोशिका के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब प्लांट का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है कोशिका का, वो देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गल्जी कॉम्प्लेक्स को आप पढ़ जाएंगे, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि बहुत बार रिपीट हो चुका है, हर साल ये पेपर में बनता है कि गल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में बताइए, इसका वर्क क्या होता है। आप ये मत समझिए कंप्लीट कल्चर, देखो गल्जी कॉम्प्लेक्स पूछेगा और उसके कार की पूछे, उसके मैथ के पूछता है, तो ये लॉन्ग में क्वेश्चन बन जाता है। आप शॉर्ट और लॉन्ग की चिंता कभी मत किया करो। जब छोटा क्वेश्चन होता है तो शॉर्ट बनेगा, यदि उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐड कर लेता है तो वो लॉन्ग हो जाता है, यहाँ भी को पता होगा। तो वही आपको यहाँ बोला गया है, तो आप लॉन्ग और शॉर्ट की चिंता ना करो। जो आपके बुक नोट्स गैस पेपर में जैसे दे रखे हैं, जैसे गल्जी कॉम्प्लेक्स दे रखा है, उसके क्या है कार्य दे रखे हैं, तो आप वही पढ़िए। ठीक है, आप वही पढ़िए, जो आपको शॉर्ट में दे रखा है तो शॉर्ट में पढ़ लो, लॉन्ग में दे रखा है तो लॉन्ग पढ़ लो। फिलहाल ये लॉन्ग में पूछा जाता है। पादप कोशिका का अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ये भी लॉन्ग में पूछा जाता है। ठीक है, उसके देखो जीन की अन्योन क्रियाएं, ये क्वेश्चन टच करेंगे, जीन की अन्योन क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नीचे जाइए, जैव विकास के बारे में, जैविक विकास के बारे में पढ़ के जाएंगे। चलो, कोशिका विभाजन मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, एक होता है क्या होता है सूत्री विभाजन। ठीक है, इसे हम समसूत्री विभाजन बोलते हैं। कोशिका का विभाजन होता है 2 टाइप का, 2 प्रकार का होता है, दोनों प्रकार के याद करके जाएंगे। मेंडल के 3 नियम को याद करके जाएंगे, मेंडल के 3 नियम। और अनुकरणता किसे कहते हैं, ये 2 प्रकार की होती है, एक होता है जलद और एक होता है मरुद्भ, दोनों को पढ़ लेना। ठीक है, मरुद्भ और जलद दोनों को पढ़ के जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से शॉर्ट वेज, ये दोनों अलग अलग बने तो शॉर्ट में बनेंगे, एक साथ बनेंगे या तीनों तो लॉन्ग बनेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, और नीचे हम जाएंगे, म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट। म्यूटेशन के टाइप कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो आप देखेंगे। गुणसूत्र में होने वाला परिवर्तन, देखो गुणसूत्र में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं और गुणसूत्र के प्रकार को याद कर लेके जाना, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, नीचे जाएंगे, इकोसिस्टम को पढ़ के जाएंगे, 100% पेपर में आएगा और ये क्वेश्चन लॉन्ग में बनता है पूरा, जैसे कि आपके पेपर में दे रखा हो, क्वेश्चन बैंक में जो भी दे रखा है वैसे ही पढ़ के जाना है। ठीक है, ध्यान से देख लेना। उसके बाद में है, देखो यहाँ है पादप अनुक्रमण क्या होता है, इसको आप पढ़ के जाएंगे। जीन इंजीनियरिंग शॉर्ट में क्वेश्चन बनेगा, पादप अनुक्रमण जी शॉर्ट बनेगा, माइटोकांड्रिया शॉर्ट में ऐसे पूछेगा कि माइटोकांड्रिया को ऊर्जा का घर क्यों कहा जाता है, तो ये बताइए। देखो मैंने कहा क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र के प्रकार, एक होता है लिम्ब, कह सकते हैं लिम्ब क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये देखो लंबरोस क्रोमोसोम होता है, ये क्रोमोसोम के प्रकार आपको देखने को मिलेंगे, जितने प्रकार है, देखो क्रोमोसोम होता है, बी क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, इनके बारे में, जैसे बी क्रोमोसोम से देखो यहाँ देख रहे हैं प्रकार है। ठीक है, गुणसूत्र व्युत्पन्न किसे कहते हैं, ये आप पढ़ के जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं होता यार, इनको एक बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा, उसके बाद बना बना के लिखा जाता है सब कुछ। ठीक है, मतलब एक बार पढ़ लोगे सब कुछ याद हो जाता है, लगभग 50% याद हो जाता है इनके बारे में, बहुत आसानी से, उसके बाद आप बना बना के कर सकते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, इसको आप पढ़ के जाएंगे। बैंक क्रॉस क्या होता है, टैक्स क्रॉस होता है, ये दोनों पढ़ के जाएंगे। ठीक है, देखो डार्विनवाद और लैमार्कवाद,
डार्विन, देखो लैमार्क बाद हो गया, लैमार्क के सिद्धांत हो गया और डार्विन बाद हो गया, लैमार्क बाद डार्विन बाद, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। उसके बाद में देखो खाद्य जाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हम जैसे फूड वेब कहते हैं, और यहाँ देख सकते हैं कुछ कहते हैं कि लैमार्क बाद का सिद्धांत, तो थ्योरी ऑफ लैमार्क बाद इस तरीके से आपका आएगा, हिंदी इंग्लिश में आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत ही ना है। ठीक है, अब देखो पैरामिड जो होता है वो दो प्रकार का, एक होता है ऊर्जा पैरामिड, इसको पढ़ के जाएंगे, ऊर्जा पैरामिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आपको देखना है पौधों में लिंग निर्धारण किस तरीके से होता है, पौधे में लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, और देखो यहां बोला गया है म्यूटेशन आ गया, देखो जीन उत्परिवर्तन क्या होता है, प्रेत जीन उत्परिवर्तन जैसे हम म्यूटेशन बोलते हैं, भाई म्यूटेशन ऊपर वाला बता रखा है मैंने, ये क्वेश्चन ऊपर भी पढ़ सकते हैं और यहाँ भी पढ़ लेना कि प्रेत जीन उत्परण क्या होता है। ठीक है, उत्परिवर्तन से बोलते हैं, ये आप इतना पढ़ के जाएंगे। और यहाँ कुछ खास, यहाँ देखो यहाँ पैरामिड यहाँ भी बोला गया है जय भार पैरामिड। ठीक है, तो आप एक बार इनको पढ़ लेना, बस इतने ही क्वेश्चन को देखना है, प्राथमिक उत्पादकता को छोड़ दिए, बहुलता को छोड़ दिए, सब कुछ खत्म करो, हरित लबक को भी छोड़ दिया हमने, क्लोरोप्लास्ट वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट शॉर्ट में पूछता है एग्जाम, तो इसको एक बार पढ़ लेना, क्लोरोप्लास्ट पौधों में पाया जाता है जो हरे, जिसके कारण हरे पौधे होते हैं। ठीक है, पौधों का रंग कैसा होता है, हरा होता है, ये सब आप आसानी कर देंगे, कोई खास ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं। और हो सकता है केंद्र की संरचना भी आपकी आएगी, तो केंद्र की संरचना लॉग में आएगी, तो ये क्वेश्चन आपका पता है कि आपको कितने आते हैं, आप इतना ही पढ़ लो काम हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको ये भी पता है कि आपका एग्जाम बहुत बेस्ट जाने वाला है, आपने ये सारे क्वेश्चन रट लिए होंगे, मुझे पता है सब रट चुके होंगे, बस इनको थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, और वो आप ध्यान दे चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से ध्यान देना है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, कोई दिक्कत तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना है। थैंक यू, बाय बाय, लव यू, ओके।